नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बने लगो ना। मैं विक्रांत, अभी हम राजधानी के बाकरगंज के पास है, जहां दुर्गा माता का मूर्ति स्थापना किया जाता है और लगातार 100 वर्षों से ऊपर मतलब यहां मूर्ति बैठाया जाता है। आपको हम बात करवाते हैं, भारत माता के अध्यक्ष जो मोतीलाल यादव भी है उनसे बात करवाते हैं कि कब से मूर्ति बताते हैं क्या कुछ है। उन्नीस सौ चार से सर लगातार इसमें आप सेवा दे रहे हैं, कैसा लगता है? माता रानी के सेवा करने से मन को शांति मिलता है। और बात करें तो एक नया आपके बारे में भी जानकारी मिली कि जिस तरह से आप कदम को थाना को अपना स्थान दिए, उसमें क्या स्वार्थ था? देखिए, सबसे बड़ी समाज में निस्वार्थ भावना से सेवा करना चाहिए, यही सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। जी जी, हमारे पूर्वजों ने स्थापना किया था इनको, जो आज भी हम लोग चला रहे हैं। ये माता रानी के और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा सेवा। अभी हम मछुआ टोली में मौजूद हैं, जहां 64 सालों से यहां मूर्ति बैठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पहले जो था 1964 में इसका स्थापना हुआ था, जो पहले 64 मूर्तियां यहां स्थापना किया जाता था, और अब जो है धीरे धीरे कम होते गया और अभी 9 मूर्ति जो है स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के द्वारा कि किस तरह से मूर्ति यहाँ स्थापना किया गया और क्या कुछ है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ माँ श्यामा काली का मूर्ति, एक तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश, एक तरफ माँ रुद्र माँ रौद्र रूपे काली है, माँ कृष्ण काली है, नीरताला काली है, कालरात्रि है, महाकाली है और माँ दुर्गा की मूर्ति है। अभी हम कदम कुआ के पूर्वी लोहानीपुर हंटर रोड में खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ 50 सालों से मूर्ति यहाँ बैठाया जाता है, माता दुर्गा का मंदिर जो स्थापना मूर्ति है, और यहाँ लगातार यहाँ के लोगों में आना जाना रहता है। और उसके साथ ही बगल में मंदिर भी है जो नौ दुर्गा का मंदिर है, और लगातार यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं आते जाते रहते हैं। सहयोगी आनंद किशोर कुमार के साथ मैं विक्रांत कुमार, न्यूज़ 1 पटना। न्यूज़ 1 के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।